हाय गाइस, मैं हूँ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस विद डॉक्टर कुमारी प्रिया। पर गाइस, आज मैं आप सभी के लिए वेट लॉस स्मूदी लेके आई हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप सभी अपने बढ़ते हुए मोटापे से परेशान हैं और कुछ हेल्दी और बढ़िया खा के आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो मैं जो लेके आई हूँ फलों और सब्जियों से बने हुए स्मूदी को आप अपने डेली लाइफ में ऐड करके देखिए। इन स्मूदी को पीने से शरीर से फैट जल्दी ही बर्न होता है और हमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस स्मूदी को बनाने के लिए चलते हैं अब मेरे किचन में। सो फ्रेंड्स, हम बनाने जा रहे हैं वॉलनट, बनाना और ओट्स की मिक्स स्मूदी। इसके लिए मैंने एक बनाना को लेके उसे अच्छे से छील के जार में डाल दिया है। हम अपने वेट लॉस डाइट में एक पूरे दिन में एक होल बनाना ऐड कर सकते हैं। अब 4 आधे अखरोट, जो कि मैंने रात में ही भिगोने के लिए डाल दिए थे, सो मैंने इसमें जार में डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें ओट्स डालूंगी। ओट्स के 2 बड़े बड़े चम्मच इसमें ऐड करना है हमें। ओट्स के फ्रेंड्स बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ओट्स में जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी, विटामिन ई और मैग्नीज अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसे खाने से शरीर में ऊर्जा मिलती है। अब मैं इसमें 1/2 कप ऑफ वाटर ऐड किया है मैंने इसमें। आप चाहे फ्रेंड तो इसमें 1/2 कप ऑफ लो फैट मिल्क भी ऐड कर सकते हैं या फैट फ्री योगर्ट यानी कि दही भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम करेंगे ब्लेंड। सो फ्रेंड्स, हमारा स्मूदी बनके रेडी हो गया है। अब इसे मैं अपने ग्लास में निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा स्मूदी बना है। एकदम थिक है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये पीने में भी उतना ही यम्मी होगा। इसमें मैं अपने मिक्स सीड्स ऐड कर रही हूँ। इन सीड्स को मैंने कैसे बनाया है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा स्मूदी। तो फ्रेंड्स, ये स्मूदी आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं अपना नेक्स्ट स्मूदी। इस स्मूदी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 बाउल पपाया और इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 बाउल कैरोट, जिसको मैंने अच्छे से कट कर लिया था। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अपना 2 चम्मच ओट्स। अब इसमें मैं कद्दूकस किए हुए जिंजर को 1/2 टीस्पून डालूंगी। जिंजर डालने से इस स्मूदी का टेस्ट हल्का टैंगी जैसा हो जाता है। शायद आपको पसंद ना आए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने 1/2 कप ऑफ वाटर ऐड किया है। सो फ्रेंड्स, एक बार जिंजर ऐड करके देखिए, ये आपके पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। अब इसका कैप लगा के अब इसको करेंगे हम ब्लेंड। हमारा स्मूदी बनके रेडी हो गया है। अब इसे मैं निकालूंगी अपने ग्लास में। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा ये बना है, कितना थिक है और इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है देखने में। सो फ्रेंड्स, अब इसमें मैं ऐड करूंगी अपना चिया सीड्स। इसे मैंने पहले से ही 15 से 20 मिनट पहले ही पानी में डाल के छोड़ दिया था। अब इसमें ऊपर से ऐड करिए, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसे हमें हमेशा भिंगो कर ही खाना चाहिए, इससे हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। कैरोट और पपाया में फाइबर पाया जाता है, इसमें कैलोरी बहुत कम होती है। सो फ्रेंड्स, हमारा स्मूदी बनके रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए अब बनाते हैं अपना नेक्स्ट स्मूदी। इसके लिए मैंने लिया है जार, इसमें मैं डालूंगी 1/3 कप ऑफ ओट्स और अब मैं डालूंगी इसमें 5 बादाम। इसे मैंने रात में ही भिगो के छोड़ दिया था और इसका स्किन मैंने निकाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 डेट्स, इनका मैंने बीज अच्छे से निकाल दिया है। अब इसमें मैं एक होल बनाना को अच्छे से
छील के इसमें मैं ऐड करूँगी। तो अब मैं इसमें बनाना ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ कप ऑफ वाटर। अब इसका कैप लगा के अब इसको हम करेंगे ब्लेंड। स्मूदी बनके रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसे ग्लास में डाल के दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। देखिए फ्रेंड्स, कितना थिक बना है ये, एकदम फुल फिलिंग है और ये पीने में भी उतना ही टेस्टी होगा। ये मेरा फेवरेट है स्मूदी में। अब इसमें मैं अपना मिक्स सीड्स ऐड करूँगी। इन मिक्स सीड्स में मैंने पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और ब्लैक सेसमे सीड्स को अच्छे से रोस्ट करके ऐड किया है। ये स्मूदी का टेस्ट और भी बढ़ा देता है। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है मेरा स्मूदी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला है। ये बहुत ही टेस्टी भी है, जितना देखने में अच्छा लग रहा है उससे ही ज़्यादा ये टेस्टी भी है। आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बनाते हैं अपना फोर्थ स्मूदी। इसमें मैं एक फुल कुकुम्बर को अच्छे से धो के स्किन समेत डाल दिया है मैंने। अब मैं स्पिनेच यानी कि पालक के पत्तियों को अच्छे से साफ करके इसमें ऐड करूँगी। अपने जार में मैं डाल रही हूँ। अब इसके बाद मैं इसमें मिंट के 8 से 10 लीव्स ऐड करूँगी। ये गए मिंट मेरे 4 में। अब इसमें मैं होममेड कर्ड है ये मैंने हाफ कप ऑफ लिया है, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर और इसका कैप लगा के अब इसको हम करेंगे ब्लेंड। सो फ्रेंड्स, मेरा स्मूदी बनके रेडी है। अब इसको मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ये कैसा बना है। देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, ये एकदम थिक है और पीने में भी ये बहुत टेस्टी होगा। अब इसमें हम कुछ चीज़ और ऐड करेंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ लेमन। लेमन का जूस आपको जितना मन हो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ही लेमन ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ एकदम पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट डाल के इसमें मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अब इसमें मैं 1/4 स्पून भुना हुआ जीरे का पाउडर ऊपर से डाल दूँगी, जिससे इसका टेस्ट और भी टेस्टी हो जाएगा और हमें पीने में बहुत ही मज़ा आएगा। खीरे और पालक से बना हुआ ये स्मूदी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे हमें सुबह में लेना चाहिए, जिससे ये हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में हमारी मदद करता है। खीरे में कैलोरी की मात्रा बहुत ही कम होती है और यह वज़न घटाने में भी बहुत मदद करता है। पालक कब्ज या पेट की समस्या में मददगार है, ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं हमारा 5th स्मूदी। इसके लिए मैंने जार लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी हाफ कप ऑफ मौसम्बी, जिसका मैंने अच्छे से छील के अंदर का गुद्दा निकाल के इसमें बस हमें यही ऐड करना है। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप ऑफ एप्पल। तो हाफ कप एप्पल ही हमें लेना है। ये मैंने डाल दिया एप्पल अपने जार में। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ कप ऑफ मेरा अनार। मैंने डाल दिया अनार जार में। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ कप पपाया।
तो ये गया पपाया मेरे जार में। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 बनाना। इसको मैं छील के अच्छे से अब मैं इसको डालूँगी अपने जार में। फिर मैं इसमें 1/2 कप योगर्ट डालूँगी। ये मेरा होममेड योगर्ट है, फैट फ्री है। आप इसे घर में बना के ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत फ़ायदा करता है। दही वज़न घटाने में मददगार है, ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है। फिर इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और उसके बाद इसका कैप लगा के इसको अब हम करेंगे ब्लेंड। फ्रेंड्स, हमारा स्मूदी बन गया है। अब इसको मैं दिखाती हूँ ग्लास में डाल के आप सभी को कि ये कैसा बना है। देखिए कितना अच्छा बना है, एकदम इसका टेक्सचर कितना बढ़िया है, एकदम थिक है। सो देखिए कितना अच्छा लग रहा है और ये पीने में बहुत ही टेस्टी है। फ्रेंड्स, इसको तो एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। अब इसमें मैं ऊपर से पोमीग्रेनेट्स के सीड्स मिला रही हूँ ताकि ये और भी टेस्टी लगे, इसमें हल्का क्रंचीनेस आ जाए। ये मिक्स फ्रूट स्मूदी बहुत ही हेल्दी है, ये आपके वेट लॉस में बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल निभाएगा, क्योंकि इसे आप एक बार ले लेंगे तो फिर आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। इसे आप सुबह या अपने लंच के टाइम में लें। हाय फ्रेंड्स, मेरा स्मूदी बन के रेडी हो गया है। आप सभी इन स्मूदियों को 1 वीक ट्राई करके देखिए, एक एक करके आप बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा वाला स्मूदी ज़्यादा अच्छा लगा। और आप इन स्मूदी को 1 वीक तो ट्राई करके देखिए ही, आपका 1 वीक में 5 से 6 kg वेट लॉस होगा। आप सवेरे में ये वाला स्मूदी ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में, लंच में ये स्मूदी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपका पेट ये पीने से भरा रहेगा 3 से 4 घंटे तक और आपको जल्दी हंगर पेन नहीं होगा और आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे और आपको भरपूर मात्रा में पोषण तत्व भी मिल जाएगा। सो गाइस, अगर आप सभी को ये मेरा स्मूदी का रेसिपी पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करिएगा ताकि मेरा नया वीडियो आप सभी को मिले और आप सभी को उससे फ़ायदा हो। सो गाइस, इसी तरह से देखते रहिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।